रहते और चलिए अब जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का शनिवार को दूसरा दिन है। राज्य भवन में बैठक कर हार की समीक्षा की जा रही है। सभी नेताओं से उनके क्षेत्र में हुई हार की वजह मानी जा रही है। नेताओं से उनकी शिकायत समस्या समेत सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री और सचिव बैठक ले रहे हैं। सबसे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट नहीं मिलने वाले पूर्व विधायकों के साथ चर्चा हो रही है। उसके बाद दोपहर 2 बजे प्रदेश मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्षों से बातचीत होगी। फिर दोपहर 3:30 पर सभी जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक रखी गई। तो राज्य भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पार्टी के संयुक्त महामंत्री सचिव भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी पूर्व विधायक जिनको चुनाव में टिकट नहीं मिला उन्हें भी लेकर उनसे भी बातचीत कर रही है, चर्चा कर रही है। पार्टी के बड़े नेता प्रदेश मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्षों से भी चर्चा। इसके बाद दोपहर 3:30 पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से मीटिंग भी होगी। चार बड़ी बैठकें आज हो रही, यानी दो हो चुकी। इससे पहले कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक 22 दिसंबर को हुई थी। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत पूर्व मंत्री समेत नए विधायक भी शामिल रहे हैं। अब इस मीटिंग में प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए थे। ये भी कहा गया कि पार्टी के स्थापना दिवस यानी कि 28 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस नेता झंडा फहराएंगे। इसके अलावा नागपुर में होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश से करीब 25,000 कार्यकर्ता शामिल होने जाएंगे। डोर टू डोर चंदा कलेक्ट करने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप जी जुड़ गए हैं। कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले जिस तरह से हार पर मंथन चल रहा है कांग्रेस का, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं कल से। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस को यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार का सामना देखना पड़ा, और निश्चित तौर से यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो ये उनका अहंकार, उनका घमंड, उसको गुरूर को तोड़ने का काम यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से सत्ता में जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसी तरीके से उन्होंने अपने संगठन में भी भ्रष्टाचार किया। उनके दावेदार, उनके विधायक, उनके प्रत्याशी, सारे के सारे लोगों ने यहाँ के पीसीसी के अध्यक्ष के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के प्रभारी जो कांग्रेस के कुमारी शैलजा के ऊपर भी आरोप लगाया। तो पैसे का लेन देन हुआ, तो ये इस बात को अब ये चर्चा हो रही है कि वो पैसा, कितना पैसा कौन लिया, इस बात की कल तक मंथन किया जा रहा है। कश्यप जी, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि अब हार पर मंथन शुरू हो चुका है, हालांकि सरकार तो बन चुकी है, कैबिनेट भी एक तरह से विस्तार हो चुका है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसका कितना असर दिखने वाला है? डोर टू डोर कैंपेन करने की तैयारी कर रही है, झंडा फहराएगी। 5 साल में कांग्रेस ने लोगों को केवल और केवल झूठ बोल करके सरकार बनाई और केवल नाच गा करके पूरे लोगों के सामने प्रस्तुत किया, लोगों की बात भी सुनने का अवसर नहीं था। निश्चित तौर पर अब इनको 5 साल में लोगों तक जाएंगे, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं कांग्रेस का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। देश की आजादी से लेकर आज तक, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे वो लोगों के कहते हैं भूख के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ये केवल घोषणा करते हैं, लेकिन यदि पूरा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अब इनके ऊपर विश्वास करने वाले लोग नहीं है। तो विश्वास करने वाले लोग अब मौजूद नहीं, यानी झूठ बोलते। केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत कर।